नमस्कार, द रूस्टर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चेन्नई की जो पानी की समस्या है वो बद से बदतर हो चली है, यानी इतनी बड़ी समस्या से चेन्नई शहर जूझ रहा है कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। लोग रात भर अपनी बाइकों पर छोटे बड़े घड़े लेकर दर दर भटक रहे हैं ताकि उनको कुछ पानी मिल जाए। जो यहाँ की आईटी कंपनीज हैं उन लोगों ने फरमान जारी कर दिया है कि आप लोग अपने घर बैठे बैठे ही काम करें, आपको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर आप आएं कृपा करके एक बोतल पानी साथ ले आएं, क्योंकि पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है, हमें ट्रकों से भी पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर जो लोग ये बुक भी कर रहे हैं तो 4 से 5 दिन से पहले इनको पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। जो यहाँ का पानी माफिया है, जो यहाँ का ट्रक माफिया है, उसने कीमतें आसमान तक पहुँचा दी हैं। जो ट्रक 1200 रुपये 1500 रुपये में मिला करता था, आज उसकी कीमत 4000 रुपये हो गई है। ऐसा भी नहीं है कि आपने 4000 दे दिए और आपको पानी मिल गया, इसके लिए भी 4 से 5 दिन का इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। जो चेन्नई शहर है यहाँ पे जितनी वाटर बॉडीज़ हैं वो तमाम वाटर बॉडीज़ आज सूख चुकी हैं, वहाँ पर बूंद बूंद पानी नहीं बचा है। इन डिटेल में हम बाद में आएंगे, पहले आपको ये बता दें मद्रास हाईकोर्ट ने आज तमिलनाडु सरकार की फटकार लगाई। तमिलनाडु सरकार को ये पूछा गया कि आप बताएं कि पानी का स्टेटस क्या है, जितने भी डेसलिनेशन प्लांट्स जो लगाए गए थे उनका स्टेटस क्या है, वहां से कितना पानी आ रहा है, शहर में कितना पानी है। और 17 तारीख के अंदर एक डिटेल्ड रिपोर्ट मद्रास हाई कोर्ट में आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप पानी की समस्या को और डीप में जाके देखने की कोशिश करें तो चेम्बरमबाकम लेक, जिसकी जो कुल कैपेसिटी थी वो थी 3645 मिलियन क्यूबिक फीट, यहाँ पर स्टोर हो सकता था। आज यहाँ की दशा ये है कि यहाँ पर सिर्फ 1 मिलियन क्यूबिक फीट ही पानी बचा है, यानी एक तरह से ये जो पूरी झील है, पूरा जो लेक है, ये सूख चुका है, बंजर जमीन हो चुका है। एक और रिजर्वॉयर है जिसका नाम है पूंडी रिजर्वॉयर, यहां पे सिर्फ 34 MCFT पानी ही बचा है। इससे अगर आप बाहर आए तो एक और रिजर्वॉयर है जिसका नाम है चोलावरम रिजर्वॉयर, ये एकदम सूख चुका है, यहां पर एक बूंद पानी भी नहीं है। अगर इस चेन्नई शहर के पूरी कैपेसिटी को देखें कि कितना पानी ये स्टोर कर सकते हैं तो वो है 11255 MCFT पानी, लेकिन इस शहर में जो पानी बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 36 MCFT पानी ही आज बचा है, जो बिल्कुल नाकाफी है इस शहर को एक और दिन भी चलाने के लिए। बारिश नहीं हुई है पिछले 2 सालों से, जो हुई भी थी उसको जो यहाँ के सरकारी तंत्र है, जो सरकारी बाबू लोग हैं, उनके आलसपने ने उस पानी को भी व्यर्थ ही जाने दिया, गवा दिया। यानी जो बारिश से पानी आता है वो समुद्र तक जाके मिल जाता है, उस पानी को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी आपके पास छोटे बड़े तालाब थे, नदी नाले थे, उन पर कभी भी किसी भी तरह का मेंटेनेंस नहीं हुआ, रख रखाव नहीं हुआ, उनकी दोबारा से खुदाई नहीं हुई, उनकी मरम्मत नहीं हुई, तो बारिश आखिर आए तो पानी जाएगा कहाँ। यानी जितना भी बारिश से पानी आता है वो सीधा बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर ये नदी नाले समय समय पर इनको ठीक किया जाता, अगर समय समय पर इनकी मरम्मत करी जाती तो इतना पानी यहाँ पर स्टोर हो जाता। जो स्थिति आज चेन्नई में है, जो सूखा चेन्नई के लोग देख रहे हैं, शायद इससे इन लोगों को गुजरना नहीं पड़ता। उसके अलावा ग्रेटर चेन्नई नामक एक जगह भी एक्सपैंड करी गई है, यानी चेन्नई को और विस्तार किया गया है, बढ़ा किया गया है। सिर्फ ग्रेटर चेन्नई की अगर आप बात करें तो 4100 वाटर बॉडीज वहां पर हैं, जिसमें कुल जो पानी आप इकट्ठा कर सकते हैं वो है 120 TMC पानी। साल भर में जो बारिश यहां पे होती है वो रिकॉर्ड करी गई है, 1200 से लेकर 1400 मिलीमीटर पानी ये दर्ज किया गया है। जो डेसलिनेशन प्लांट है ये एक तरह का प्रोसेस है कि समुद्री पानी को आप मीठा पानी बना के शहर के लोगों तक पहुंचाएं। इस प्लांट की यहाँ पर ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि ये
प्लांट उन जगहों पे कारगर होता है जहां पर बारिश बेहद कम आती है, जैसे कि दुबई अरब या फिर इजराइल, वहां पर 300 या फिर 400 मिलीमीटर पानी ही बरसता है। लेकिन ये शहर एक ऐसा है जहां पर 1200 से लेकर 1400 मिलीमीटर पानी दर्ज किया जाता है, यानी बारिश भरपूर आती है। जो बारिश का पानी है अगर उसी को आप सही से मैनेज कर सके, जो वाटर मैनेजमेंट है अगर इनका सही होता तो ये सूखा आज चेन्नई को नहीं देखना पड़ता। 120 टीएमसी पानी बहुत ज्यादा पानी होता है, यानी शहर की जो जरूरत है वो सिर्फ एक टीएमसी पानी महीने भर की है। जो ग्रेटर चेन्नई है वहां की जो पूरे साल की जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ है 25 टीएमसी पानी। यानी चेन्नई जो प्रमुख चेन्नई है, यहाँ और ग्रेटर चेन्नई दोनों को ही मिलाया जाए तो 35 से लेके 40 टीएमसी पानी की ही यहाँ पर जरूरत है, जो कि आप एक साल में 120 टीएमसी पानी स्टोर कर सकते हैं। यानी अगर आने वाले 3 सालों तक भी बारिश ना हो तो भी यहाँ पर कभी सूखा पड़ नहीं सकता है। जो ये सूखा आप देख रहे हैं ये एक मैन मेड क्राइसिस है, यानी वो सरकारी तंत्र, वो सरकारी बाबू जो आलसी थे, जिन्होंने कभी इसके प्रति कोई काम ही नहीं किया, वो राजनेता जो सिर्फ भाषण देना जानते हैं, जो सिर्फ वोट बटोरना जानते हैं, जो हर बार ये कहते हैं कि पानी की समस्या से आपको हम निजात दिला देंगे परमानेंट। यहाँ का जो सरकारी तंत्र है, सरकारी बाबू है और जो राजनेता है, इन दोनों को ही सिर्फ एक काम आता है, अगर यहाँ पर बाढ़ आ गई तो सारा पानी खोल दो और समुद्र में भेज दो, अगर यहाँ पे सूखा पड़ गया तो पड़ोस के राज्य से पानी मांगने की कोशिश करो। यहाँ पर कभी ऐसा कोई मैनेजमेंट बना ही नहीं कि आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाए। एक ऐसा शहर जहां पर इतना पानी बरसता हो उसको आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, एक ऐसा शहर जहां पर हजारों की तादाद पर वाटर बॉडीज अवेलेबल हो, बड़ी बड़ी लेक हो, बड़ी बड़ी नहरें हो, समुद्र आपके पास है, तब भी अगर एक शहर को सूखे से गुजरना पड़ रहा है तो शर्म आनी चाहिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, जो इस छोटे सी समस्या को अभी समाधान नहीं कर पा रहे हैं। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बारिश नहीं हुई इस वजह से यहाँ पे सूखा पड़ा, लेकिन उस पानी का क्या हुआ जो यहाँ पर 2 साल पहले बरसा था, उस पानी का क्या हुआ जो 200 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, आखिर वो तमाम बारिश का पानी गया कहाँ? वो इस वजह से सही तौर पर आपके पास नहीं बचा क्योंकि आपके पास वाटर मैनेजमेंट का कोई प्लान ही नहीं है, दूरदर्शिता है ही नहीं कि आप इस पानी की समस्या को समझ सकें और उसको दूर कर सकें। यकीन दिलाते हैं आपको कि अगर इन तमाम जो छोटे बड़े नदी नाले हैं, तालाब हैं और जो वाटर बॉडीज हैं, इनको अगर साफ करा जाए, इनको तरीके से रेस्टोर किया जाए तो इस पानी की समस्या से ये शहर बहुत आराम से बाहर निकलेगा। इतना ही नहीं, ये आसपास के जो जितने भी गांव हैं, जितने भी किसान हैं, उधर तक भी पानी ये लोग पहुँचा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये खबर समझ में आई होगी और ये जो शहर है इसके लिए आप प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द बारिश हो और सब बुद्धि दे इन जैसे आलसी जो सरकारी बाबू हैं और जो राजनेता हैं, जो इस कार्य में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा आगे काम करेंगे, जो अब बारिश आ भी जाए तो उसको किस तरह से स्टोर करा जाए उस पर ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि सिर्फ भाषण देने में और इसमें जुटे रहेंगे कि पड़ोसी राज्य से कैसे आप पानी लेके आए। बने रहे हमारे साथ रूस्ट न्यूज, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती है। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहे जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।